खबर जनपद श्रावती से, जहां पर पुरानी रंजिश में दबंगों ने की युवक की पिटाई। मल्लेपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर कोठी निवासी आरिफ पुत्र यासीन बुधवार की रात को लक्ष्मणपुर चौराहे से होकर जा रहा था, तभी गांव के ही चार लोगों ने उसके भाई पर लगभग एक माह पूर्व हुई मोबाइल की चोरी का आरोप लगाते हुए पिटाई शुरू कर दी। बीज भराव कराने आए उसके पिता से भी अभद्रता करने लगे और धमकाने लगे। आसपास के लोगों के आ जाने पर चारों दबंग धमकाते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित आरिफ ने थाने मल्लीपुर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच की जा रही है। क्या नाम है? खातरुन निसा। कहाँ रहती है? यही लक्ष्मणपुर कोठी में। अच्छा, ये जो मामला हुआ है परसों झगड़ा लड़ाई का, ये क्या है पूरा मामला? ये मामला ऐसे है कि जैसे ही आपका नाच रहा और बरसाती का मोबाइल गायब था होगा। अच्छा। तो हमारे भतीज का जरीफ नाम है, तो उसका लगाइन कि जरीफ चराय लीन, तो जरीफ कसम खाए लीन कि हम ना लिया हन, लेकिन इधर से जाए तो बहन महतारी गरिया, उधर से जाए तो बहन महतारी गरिया। तो उसके बाद में जो हमारे भतीज लोग बोले, मतलब गाली जब सुने सब की, जैसे वो कसम खाए लिए तो क्यों गाली दिया था सब लोग, तो हमारे भतीज जब बोले तो उसका लग किया के मारी। तब जब मारी तो हमारे भाई लोग सुनी, हमारे भाई का असीन नाम है, तब जब वही सुने तो गया वहाँ पर, तो वो दूसरे के घर में फिल गया, तो वहाँ पे घर में इससे मतलब हमारे भाई लोग कहीं के घर में से निकलिया हम मारे उसको, और पूरा गांव भर लग किया के हमारे भाई को खंभे में बांध दी दस्तर से, और खूब सब लोग मारी पूरा पिटाई की खूब हमारे भाई लोग कहीं। अब कहीं जितने मुसलमान आवे, दर्जी आवे या तेली आवे, सबका पकड़ के यहाँ पे बांध दी, पाकिस्तान है। तो हम देखन मारे, हम लोग दूर दूर से गवा कर देखे, मगर दाधन आई गवागा कि हम लोग का मर हैं, हमारे भतीजे को नहीं गए, हमारे भाई लोग सब कोई है, कोई नहीं गए को जना। हाँ, तो कितनी देर तक बंधक बनाए थे आपके भाई को? सारा मतलब चार पाँच घंटा वही पानी सब उनके ऊपर बरसा है, आंधी पानी आवा है, तो जब पुलिस आए हैं तब वही छोड़ी नहीं। चाचा, जब आपको रात में बंधक बनाया गया तो किस मामले को लेकर बंधक बनाया गया? बनाया गया साहब कि हम उनको पकड़ा, और पकड़े के बाद में उनका हम उकिन पैसे जिम्मेदारी में हम कर लिए, पैसे हमें गांव भर मिल के पकड़ के हमको ले गए, बांध दिया। बांधे के बाद में खंभा में उनको नखरा बना दिया, पानी छिप्पा ऊपर डाल दिया, पानी छिप्पा डाले के बाद में हमको बांधे रह गए। उनके पिताजी मारी, उनके औरत भी मारी, गाँव का भी चार लड़के लाद मुक्का मारी है साहब। कितनी देर तक बंधक बनाया गया था? बंधक करीब में घंटा डेढ़ घंटा ऐसे खड़े बांधे गए हैं खंभा में। तब बड़े साहब पहले वो आए हैं 100 नंबर वाले, तब वो नहीं छोड़ाए पहने, तब वो फोन किए, तब बड़े साहब जो आए तब लेके गए। अच्छा, तो लगभग कितने लोगों की संख्या रही होगी? लगभग 40 आदमी की रही संख्या था। अच्छा, तो कहाँ कहाँ चोटें आई हैं आपको? चोट हमारे देखो, ये क्या चोट है, ये यहाँ पर चोट है, ये यहाँ पर चोट है, और ये ऊपर ये मारी थी। तो अब कोई कार्रवाई हुई आप लोगों के पक्ष में? आ गए तो कार्रवाई की नहीं, चार पांच आदमी पर। अच्छा, क्या आश्वासन दिया है पुलिस ने? पुलिस ने यही लिख के दी थी कि हम उनको पकड़ के गिरफ्तार करेंगे, चलान भेजेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कोई चलान चला जाए बस। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये जो चोट लगी है ये आपके कौन है? अच्छा, किस मामले को लेकर झगड़ा हुआ था, कुछ जानकारी है? मोबाइल के बारे में झगड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो सब लोग वहाँ लपटिया के मारी ना केल रहे हैं, तो सब लोग मारे। अच्छा। तो के बाद में प्रदीप और लाल जी आवत हैं, तो कहते हैं पाकिस्तान लोग हैं। अच्छा। इनको मारो, इनके बिटिया बहन को रेप करो। अच्छा। ये हमेशा जाते इधर से उधर जाते हैं, यही जवान कहते हैं। अच्छा। बार बार कहा था, और बच्चन का देखा था इतनी स्पीड गाड़ी चलावत है कि जहाँ मरी जाए, उनका परवाह नहीं है। अच्छा, जिनको बंधक बनाया था ये कौन है आपके? जिनको नहीं, क्या नाम है? आरिफ। अच्छा, कहाँ रहते हो? लक्ष्मणपुर कोठी। अच्छा, किस मामले को लेकर ये जो झगड़ा हुआ था? हम उधर से अपना दुकान बंद करके आ रहे थे। कहाँ से? मतलब चौराहे पे ही जहाँ पे झगड़ा हुआ है वहाँ पे मेरा दुकान है, तो बंद करके आए तो वहाँ सामने एक अंडा के मतलब दुकान लगता है ठेला पे, तो वहाँ पे वो दारू पी के आया था और वो अंडा खा रहा था, और मेरे भाई को माँ बहन की गाली दे रहा था। कौन दे रहा था? वही बरसाती जिसे झगड़ा हुआ है, तो माँ बहन का गाली दे रहा था। तो हम बोले देख भैया गाली मत दे तू, अगर तेरे को गाली देना है तो तेरा जब मोबाइल चोरी हुआ था तो उस टाइम पे तो तू बोला नहीं,
और आज जब हम लोग को देखता है तो मैं बहन की गाली देता है। अगर तेरा मतलब वो मोबाइल चोरी किया था तो उस टाइम तेरे को पकड़ लेना चाहिए, क्यों नहीं पकड़ा था उस टाइम? और अगर गाली देना है तो वो जब आएगा तो उसे पकड़ना या मारना, अगर वो चोरी किया होगा तो मैं चोर का साथी नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन माँ बहन के बीच में मतलब वो बोलता है नहीं मैं गाली दूंगा। उसमें से एक संजय नाम का मतलब क्या मतलब यादव है तो वो भी उसके साथ हो गया और पकड़ लिया हमको, वहाँ पे मारने लगे। मोबाइल चोरी का आरोप किस पर लगा रहे थे? मेरे भाई के ऊपर। अच्छा, वो आपका भाई कहाँ है? वो यहाँ नहीं, वो जेल में है इस टाइम। अच्छा, हाँ, तो आपसे झगड़ा मोबाइल चोरी के बारे में? हाँ, तो हम ही इतना बोले कि देख माँ बहन के गाली मत दे, अगर वो किया होगा तो उसके बाद में जो भी करना होगा उसके ऊपर तो करना, माँ बहन को बीच में क्यों लाता है? अभी तेरा चोरी हुआ कि नहीं हुआ तो वही बता सकता है, जब हम लोग थे ही नहीं, हम लोग जानते ही नहीं कहाँ तेरा मोबाइल चोरी हुआ है, तो हम लोग को क्या पता। तो क्या बोलता है, मारो भोसड़ी वालों को देखा जाएगा। तो संजय था, वो था और एक अरविंद नाम का लड़का था, यादव वो भी था, ये तीनों मिलके वहाँ पे मारे। जब मेरा एक खून खच्चड़ हो गया पूरा तो वहाँ से वो तीनों गांव में भाग लिए। जब उसके बीच में कोई पता नहीं कौन फोन किया मेरे बाप को, तो मेरा बाप इधर से गांव में जा ही रहा था क्यों मारे हैं, तो वहाँ पे आया गांव में, वो एक घर बन रहा था, उस घर में वो छुप गया। तो मेरा बाप गया ऐसे हाथ पकड़ के उसको ईच के बाहर निकाल रहा था, उतने में यादव और धोबी सब इकट्ठा आगे बोले चोरी करने आया, सब लोग इसको मार लो भोसड़ी वाले। मैं तुरंत उठा के खंभे में बांध दिए, मतलब नीब का पेड़ था, खंभा था, उसमें बांध दिए। तो जब खंभे में बांध दिए उसके बाद कैसे इनको छोड़ाया गया? अब जब पुलिस वाले आए, 100 नंबर गाड़ी आई, तब भी नहीं छोड़े। दो पुलिस वाले आए गाड़ी से, तब भी नहीं छोड़े। फिर जब चरपैया यशो साहब जब आए हैं तब इनको छुड़ाया गया है वहाँ से, तब इनको थाने लेके गए हैं। अच्छा, हाँ। तो कोई कार्रवाई थाने के द्वारा हुई? हम लोग किए हैं हम लोग मुकदमा कर दिए हम लोग। अच्छा, हाँ, लेकिन उन लोग अभी दौड़ भाग कर रहे हैं। एक लालजी प्रधान है, जब से यह आया है लालजी यादव, तभी से पूरे यादव लोग को भड़का के रखा, खाली हिंदू मुस्लिम इसमें खेली मारा, जबकि वहाँ पे मुसलमान कोई गया ही नहीं है, सिर्फ हम ही लोग गए थे। मान लो हमें लोग से झगड़ा हुआ था और वो क्या बोल रहा है, इन लोग छोटा पाकिस्तान बना के रखे हैं। हाँ, और सब वो लोग एक साथ हो गए। अगर हम लोग भी चाहते तो मेरे पास भी यहाँ पे मुसलमान बहुत थे, लेकिन हम लोग को क्या बोलते हैं बवाल नहीं करना था। मेरे बाप को अकेले पा गए वहाँ पे, उठा के तुरंत बांध दिए, बोले इनको चोरी में रख दो। कहाँ रहते हैं? अच्छा, ये जो झगड़ा हुआ था ये किस मामले को लेकर झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ था जब मोबाइल इनका गायब हो गया बरसाती का, तब ये दसियों मरतबा के ठेला पे पहुंचे, तो जब पी के आते थे नशा में जब से, तो जरीब को जो है गाली दे, बहन मातारी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। किसको गाली देते थे? जरीब को। अच्छा, तो हमने बोले कि अब भी जब बवाल जब हुआ तो हम बोले कि ऐसा गाली देखो तो बगल में जाओ उधर गाली दो या उधर जाओ गाली दो, हमने ठेला पे हमें दुकान पर गाली ना दी। अच्छा, हम इनको एक बात बताया, हमको हमारे दुकान पर गाली ना करो ना झगड़ा। बरसाती कहें कि आप जो है तुम्हारे मैं कौन है, तो हम कहा देखो हम हमारे हैं परिवार, हम बोलबे जरूर, हम बोला भी बात है। आपकी दुकान भी वहाँ थी? हाँ, हमारी दुकान थी। अच्छा, आपके दुकान के पास एक घटना हुई है? हाँ। फिर क्या, तो, क्या हुआ? बस उन्हें गाली देते हैं, इसके बाद में हमारे गांव के वो सब खाते थे अंडा वंडा, तो वो लोग रहे सब। उसके बाद मैंने जब इनको फोन की कैसे ये जान पाए तो इधर से गए, तो कहीं गाली क्यों दे रहा हो, कहे गाली दो, गाली देखो तो जरीब को गाली दो, बहन मातारी गाली ना दी उन्हें बहुत बेजा हो जी। तो कहीं की का कह लिया हो, तो भाई पाली उठा के टिपाई मारा तो आज घर खोपड़ी फट गई, बस एक आदमी बैठा रहा है उधर पर आके हंसना हो तो उठा हम भी गिर जाए, तो उठ पड़ा बस मतलब फिर अपने गाड़ी में बैठे बैठे। इसके बाद जब बरसाती का है बहुत मतलब बिगड़ गए, कहें कि हम यह कर दे वह कर दे अभी, तो तब ये गाड़ी पर से उतरे हैं बस जूते बाज गए, बाजे के बाद में बस लेफ्टर कह लेने बस इनका पटकी नहीं, खोपड़ी फूट गया है। कौन पटका था इनको? बरसाती। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? बस उसके बाद बरसाती भाग गए। अच्छा, तो जब ये फोन पर घर पर के हैं कि अब्बा रे या भाई रे मैंने हमारा सब यहाँ खोपड़ी बरसाती फोड़ दी, तब यहाँ से गया है, यहाँ से गए होगा हेरे लगे, हेरा थे तब उधर पानी तो भगा, तो घर में लुकान है, तब उसे छत वत को पड़ा खड़ा है उसी में लुकान है, तब यहाँ से गया जब तो का जब पकड़ी नहीं है, बस सब पास से अपन जो है वही गुआ के लोग तो डकैती डाल रहे हैं, हमें इसके शादी है, हमारे जेवर उठाए लेके, हमारे ये सामान उठाए लेके, ये सब सामने तो खाए। तो इनको बाप को बंधक बना लिए थे? हाँ। लगभग कितनी देर तक बंधक बनाए रहे? लगभग 2 घंटा तक बांधे रहे, जब पानी निकल गया है, जब थानेदार आए या सोच साहब जब आए तभी खोला ही नहीं। अच्छा, हाँ। तो मारे भी तो क्या इनको? हाँ, मारी नहीं। अच्छा, हमारा असीम नाम है। अच्छा, कहाँ रहते हैं? यहीं रहते लक्ष्मीपुर। अच्छा, किस मामले को लेकर आपको जो है बंधक बनाया गया था? जब देखने वहाँ से फोन आया तो हमने नजर में पड़ा खून, तो हमने यहाँ से छोटा उठाया गेम देखे तो घर में दुकान है, तो पकड़ लिया, सब उठा पटक दिया, सब तो गांव भर जुट के बस हम अपने पकड़ बांध लिया, पाकिस्तान बना लिया है का,
तो आपको मारे मारा सब कोई है, लाठी से कोई, लाठी से कोई, पैना से, सब कोनो हमसे चोटे है। अच्छा, उन लोग बोल रहे चोरी करने आए। तो कितनी देर तक बंधक बनाए रखे थे आपको? करीब घंटा डेढ़ घंटा बांध रहे थाने वाले, तब हमको वहाँ से बड़े साहब लेके गए हैं। अच्छा, पानी में हमें वैसे मैदान में बंधे रहे। अच्छा, तो लगभग कितने लोग थे जो आपको बंधक बना के रखे थे? कम से कम 30-40 आदमी। तो ये मुस्लिम के नाम पर बवाल हुआ है कि किस मामले को लेकर बवाल हुआ है? यही लड़कों के, जो वो लालजी यादव है उन्हीं के जरिए से पूरा हो रहा है, वो सब करा रहे हैं पूरा ही। अभी वोट लेने के लिए अभी इस बार वो विपक्ष में है, अभी वो हार गए हैं। प्रधानी पिछली बार वो कर रहे थे, तभी भी हम लोग के पीछे पड़े थे, इस बार वो इलेक्शन प्रधानी में हार गए हैं। तो इस बार मतलब वो यही चाहते हैं कि पूरे यादव एक जगह आ जाए, यादव और धोबी एक जगह आ जाए और हम फिर प्रधान बन जाए, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं।